हेलो फ्रेंड्स, एप्टीट्यूड के लेक्चर्स की सीरीज में आज हम पांच क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में नेट के एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का ये जो एंगल है 90 डिग्री है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल की जो हाइपोटेन्यूज है, उस हाइपोटेन्यूज की साइड के इक्वल एक स्क्वायर ड्रॉ किया गया है और उस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया है। तो ये जो सर्कल जिसको शेडेड रीजन से डिस्क्राइब किया हुआ है, इसका एरिया क्या होगा ये पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो आपको 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर साइड दी हुई है, और क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगी हमारे पास 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगी। इसका मतलब ये जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर की है। अब क्योंकि ये पूरा एक स्क्वायर है तो ये साइड 5 की है, तो इसकी चारों की चारों साइड 5 की हो जाएंगी। तो इस सर्कल के केस में ये जो डायमीटर है इसका, ये भी 5 का हो गया, क्योंकि डायमीटर और साइड दोनों पैरेलल है। तो हमें इस सर्कल का डायमीटर या व्यास मिल गया, तो हम डायमीटर से इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस होती है d/2, तो 5/2 मतलब 5/2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। अब अगर हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, किसी भी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर से लिखते हैं। आर की वैल्यू 5/2 है, वो हम पुट कर सकते हैं, तो हमारा एरिया आ जाएगा 25/4 पाई, और इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें एक सिंपल एरिया कैलकुलेट करना था। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम और एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी की उसकी चारों साइड बराबर होती है, उसका यूज करना था और आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ कुछ ऐसा ही है, कंसेप्ट हमारे सेम यही यूज होंगे। यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। इस ट्रायंगल के हर साइड के थ्रू हमने एक सेमी सर्कल बनाया है। सेमी सर्कल जिसको हम अर्धवृत्त कहते हैं। अगर हम अर्धवृत्त की बात करें तो इस तरीके से होता है हमारा सेमी सर्कल, और ये अगर इसकी साइड हमारी डी है, जिसको हम डायमीटर भी बोल सकते हैं, तो उसकी जो रेडियस है वो हो जाती है d/2। और अगर हम किसी सेमी सर्कल का एरिया की बात करें तो एरिया होता है इसका पूरे सर्कल के एरिया का आधा हो जाएगा, तो इसे हम कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर बाई टू, और आर है हमारे पास d/2, तो इसे आप लिख सकते हैं पाई बाई टू इंटू d/2 का होल स्क्वायर। तो किसी भी सेमी सर्कल का एरिया होता है हमारे पास पाई डी स्क्वायर बाई ए, डी मतलब वो पूरा की पूरा डायमीटर। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, तो ट्रायंगल की तीन अलग अलग साइड हैं, तो इन साइड को आप मान सकते हैं। देखिए, इसको आप x2 कह सकते हैं 2 की वजह से, इसको आप x1 कह सकते हैं, और इसको आप x3 कह सकते हैं। तो अगर आप इन सारे ट्रायंगल के एरिया, इन सेमी सर्कल्स के एरियाज को कैलकुलेट करो, तो जो सेकंड का एरिया आएगा वो x2 के हिसाब से आएगा, फर्स्ट का एरिया x1 के हिसाब से आएगा, और थर्ड का एरिया x3 के हिसाब से आएगा। तो देखिए, फर्स्ट के एरिया को आप लिख सकते हैं पाई बाई 8 x1 स्क्वायर, उसी तरीके से सेकंड के एरिया को हम लिख सकते हैं पाई बाई 8 x2 स्क्वायर, और थर्ड के एरिया को हम लिख सकते हैं पाई बाई 8 x3 स्क्वायर। अब क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लिख सकते हैं x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर इक्वल्स टू x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर इक्वल्स टू x1 स्क्वायर, द सम ऑफ Both perpendicular sides is equals to the hypotenuse, जो x1 है इसका। तो यहाँ पर देखिए x2, x3, x1 यहाँ पर इस तरीके से लेन है। x2 को हम third बोल सकते हैं। तो x2 square मतलब second, x3 square मतलब third, और x1 square मतलब first। तो इसका मतलब second plus third plus first, second और third को अगर जोड़ा जाए, मतलब इस area को और इस area को हम add करें, तो फर्स्ट वाले एरिया के बराबर होना चाहिए, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा सेकंड। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको चेक करना था कि साइड है तो उससे आप डायमीटर निकाल सकते हैं, और डायमीटर से आप रेडियस और एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना था कि यहां x2 स्क्वायर है, तो x2 स्क्वायर सेकंड के प्रोपोर्शनल है, x2 स्क्वायर x2 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं है। ये दोनों ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते थे कि सेकंड प्लस थर्ड इक्वल्स टू फर्स्ट लिखें, या फिर सेकंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट स्क्वायर लिखें। तो अगर आपने ये किया होता तो वो गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर सेकंड स्क्वायर ही हमारा एरिया को इंडिकेट करता है। तो ये हमारा एरिया है ना कि ये। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है। इसमें लिखा हुआ है 25% ऑफ 25% ऑफ अ क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी आप y मान सकते हैं, तो उस क्वांटिटी का अगर हम 25% ऑफ y जो है वो इक्वल है हमारे पास x% ऑफ y के।
स्टेटमेंट पढ़ना है सिंपल, अगर आप इंग्लिश अच्छे से यूज करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इज इक्वल्स टू एक्स परसेंट ऑफ वाई, अब इसको हम लिख सकते हैं किसी भी क्वांटिटी का, अगर 25% ऑफ लिखा जाता है तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन का साइन, और अगर परसेंट लिखा हुआ है तो उसका मतलब उसमें 100 से डिवाइड करना होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाई y अपॉन इस परसेंट की वजह से 100 आएगा, इस परसेंट की वजह से एक और 100 आएगा, इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई y अपॉन 100। अब यहां से आप x आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, y से y कैंसिल हो जाएगा आपके पास, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 into 25 को 625 कहते हैं, अपॉन 100 इज इक्वल्स टू x, तो x हमारे पास हो जाएगा 6.25%, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सिंपली बस आपको इस स्टेटमेंट को समझना था और बस कैलकुलेशन करनी थी, 25% ऑफ मतलब 25 इनटू समथिंग डिवाइड बाय 100, फिर 25% ऑफ y मतलब 25 इनटू y अपॉन 100, फिर इस पूरे का 25 इनटू दिस क्वांटिटी अपॉन 100 इज इक्वल्स टू x इनटू y अपॉन 100, तो सिंपल x कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक सीक्वेंस है जिसको हम an से इंडिकेट कर रहे हैं, n मतलब उसका nth टर्म है, और ये सीक्वेंस कुछ इस तरीके से है कि जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस जितने भी टर्म हैं उन सबका सम करके आता है। कह रहा है कि अगर इसका स्टार्टिंग टर्म a0 जो है वो 3 है, a0 का मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग टर्म अगर 3 है, तो अगर आप इसका नेक्स्ट टर्म लिखना चाहोगे तो वो प्रीवियस टर्म्स तो एक ही है तो उसके बराबर आएगा, तो ये हमारा ये तो हो जाएगा हमारे पास a1, ये अगर a0 है तो फिर इसी तरीके से अगर आप a2 कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 3+3, तो ये आ जाएगा 6, फिर आप जब a3 कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा 6+3+3, तो इसको आप कह सकते हैं 12, उसी तरीके से फिर से ऐड होता जाएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि हर टर्म में प्रीवियस टर्म सारे जितने भी है वो ऐड होके आ रहे हैं, तो देखिए ये 6 था क्योंकि दोनों ऐड हुए, ये 12 था क्योंकि ये तीनों ऐड हुए, अब इसके बाद अगर आप ऐड करोगे तो 12 और पी ऑलरेडी 12 है तो 24 आएगा, फिर अगर आप आगे जाओगे तो क्या आएगा, ये दोनों 12 और ये दोनों 12 24 तो ये 48 आएगा, तो बेसिकली डबल होता जा रहा है। अगर आप a0 को भूल जाए थोड़ी देर के लिए तो हमारे टर्म्स क्या चल रहे हैं, 3 6, फिर 6 का डबल 2 12, 12 का डबल 24, फिर 48, फिर 96, इस तरीके से आगे जाएगा। तो अगर मैं an plus 1 की बात करूं तो an plus 1 जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, an का दुगना ही तो है, इसका जस्ट डबल ही तो है, तो उसको मैं कह सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ an, और हमको कैलकुलेट करना है an plus 1 by an, और अगर हमारा n इंफिनिटी की तरफ टेंड चलता है, अगर n हमारा स्टार्टिंग में होता तो उसे हम 1 कह सकते थे, लेकिन अगर हम आगे की बात कर रहे हैं तो आगे के केस में ये चेंज हो चुका है, an plus 1 upon an की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, तो इसका आंसर 2 होगा। अगर इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से करते कि मान लीजिए हमें an plus by an निकालना है, मान लेते हैं कि हम n की वैल्यू 0 रख लेते हैं, 0 रखोगे तो आप क्या लिखोगे, a1 upon a0, और a1 क्या है हमारा 3 है और a0 क्या है वो भी 3 है, तो आपका आंसर आ जाता 1, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे की सीरीज भी देखिए तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा एक्चुअल में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग को देख के आप कंफ्यूज नहीं हो क्योंकि हमारा n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो हमें आगे के टर्म्स को ध्यान रखना है, स्टार्टिंग टर्म्स को इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसमें हम सिमिलर, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने से पहले एक बार रीड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको क्लियरली वो दिखाई दे जाए। ये हमारे पास एक स्क्वायर दे रखा है, ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, और ये एंगल 90 डिग्री का है, इससे इसको इस तरीके से कनेक्ट किया है, इसके तीन इक्वल भाग किए हैं, इस भाग को अगर आप एक्स मान लोगे तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, यहां से इसको कनेक्ट किया है, इस साइड को आप एच मान सकते हैं हाइट की तरह, तो ये चीज आपको सबको पता होगी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी निकालना है तो आप क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए सी बी का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस, बेस क्या होगा इसका, एक्स एक्स एक्स,
तो 3x into height इसकी है h। उसी तरीके से अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये d है ये e है, तो DBC निकालें, DBC तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं half, इसका बेस हो जाएगा x into x plus x, 2x into h, इतना हो जाएगा। अगर आपको इस ADC का एरिया चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े एरिया में से इस छोटे एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। तो ये था हमारे पास 3xh by 2 और ये है 2xh by 2, तो इसे आप लिख सकते हैं सिंपल xh upon 2। अब आपसे पूछा गया है कि जो ADC का एरिया है ये वाला, इसको आपको डिवाइड करना है CDB के एरिया के साथ, मतलब xh by 2 into 2xh by 2 करना होगा आपको। तो आप लिख सकते हैं xh by 2 divided by 2xh by 2, xh by 2 xh by 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो रेशियो आ जाएगा हमारे पास 1:2। तो सिंपली आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया ऑफ क्या होता है वो यूज करना था, हाफ बेस इनटू हाइट, आपका आंसर 2 आ गया। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, आगे की वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एप्टीट्यूड से।